और अतीक के काफिले के साथ अभय पराशर भी चल रहे हैं। अभय, चूंकि अब खबर ये आ रही कि झांसी में प्रवेश किया जा चुका है, यूपी की सीमा में अब अतीक अहमद प्रवेश कर चुका है, तो वहां पर क्या तैयारियां, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि हर जिले के पुलिस कैप्टन को अलर्ट मोड पर रखा गया है जो पूरे रूट को क्लियर करेंगे, और खबर ये भी है कि झांसी के बीच हो सकता है कि अतीक के गुर्गे घुसने का भी प्रयास करें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। अभी अभी काफिला रुका है और झांसी की ये जो रिजर्व पुलिस लाइन है, यहाँ पर सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाएं जो अतीक अहमद को लेकर जो वैन थी, पुलिस वैन, वो इस वक्त झांसी की पुलिस लाइन के अंदर गई है। यहाँ पर कुछ देर के लिए रखा जाएगा अतीक अहमद को। अभी अभी झांसी में एंट्री की है और ये काफिला जो है, हम आपको बताएं, जब से मध्य प्रदेश के अंदर एंट्री की थी शिवपुरी के पास से, तब से ये काफिला लगातार चल रहा था, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस की टीम जो है वो फॉलो कर रही थी, और साथ ही अतीक अहमद को लेकर मध्य प्रदेश में जब से एंट्री हुई थी उसके बाद ये काफिला कहीं भी नहीं रुका था। ये पहला स्टॉपेज है जिसमें फ्रीडम ऐप से सीख कर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। यहाँ पर झांसी की जो रिजर्व पुलिस लाइन है उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की सीमा में एंट्री करने के बाद ये पहला स्टॉप जो है वो यहाँ पर लिया गया है। सामने आप देख सकते हैं अभी भी जो वैन है जिसमें अतीक अहमद है वो वैन अंदर गई है, कुछ अधिकारी वहां पर मौजूद है। अभय, कारण क्या बताया जा रहा है? क्योंकि कहीं नहीं रोका गया जो काफिला, वो यहाँ पुलिस लाइन में झांसी में आकर रोका गया, कोई विशेष कारण रहा? दोबारा से ये वैन चलना शुरू हुई थी उसके बाद से कोई स्टॉपेज जो है वो यहाँ पर नहीं लिया था, तो फिलहाल अभी यहां पर रोका गया है। और अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब से तकरीबन 15-20 मिनट यहां पर जो रिजर्व पुलिस लाइन है झांसी की, यहां पर अतीक अहमद को रखा जाएगा और उसके बाद दोबारा से जो काफिला है वो यहां से निकलेगा। क्योंकि प्रयागराज, मैं आपको बताऊं, यहां से तकरीबन 400 किलोमीटर प्रयागराज है। शाम का तकरीबन 4 बजे के आसपास ये उम्मीद जताई जा रही है कि अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज में जो पुलिस की टीम है वो पहुंच जाएगी और इस पूरे मामले के अंदर कल सुनवाई होनी है कोर्ट में। कोर्ट की तरफ से आदेश आना है, जिस तरीके से साल 2006 में उमेश पाल को किडनैप किया गया था, उससे बयान बदलने के लिए प्रेशर उसके ऊपर डाला गया था, तो फिलहाल ये पहला स्टॉपेज है जो कि उत्तर प्रदेश में झांसी रिजर्व पुलिस लाइन के अंदर फिलहाल रोका गया है अतीक अहमद को, और करीब 15-20 मिनट बाद यहां से लेकर दोबारा से पुलिस की टीम जो है वो प्रयागराज के लिए निकलेगी। अब है, आपकी सोर्सेस क्या कह रहे हैं, किन कारणों की वजह से यहां पर रोका गया? चूंकि ये काफिला आप खुद जानकारी दे रहे हैं, कहीं नहीं रोका गया और ये पहला स्टॉपेज लिया गया, पुलिस लाइन के भीतर रखा गया। अब है, कितनी देर ये यहां रुकेंगे और कारण क्या? देखिए, बिल्कुल तकरीबन ये उम्मीद जताई जा रही है मीनाक्षी की 15 से 20 मिनट यहाँ पर रोका जाएगा। कारण यही है कि अब करीब 400 किलोमीटर का सफर है। सुबह सुबह ये जो काफिला था काफी तेजी से चल रहा था क्योंकि डीजल भरवा लिया गया था, ड्राइवर चेंज कर लिया गया था। अब बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सफर लंबा है, तो ऐसे में जो ड्राइवर है जो गाड़ी चला रहा है अतीक अहमद को लेकर, उसे भी थोड़ा आराम मिले क्योंकि इसके बाद यहां से कंटिन्यू चलना है। जैसे ही मध्य प्रदेश की सीमा पार होकर उत्तर प्रदेश के अंदर एंट्री हुई है, इसी वजह से थोड़े आराम के लिए यहां पर ये गाड़ी को रोका गया है 15-20 मिनट में जो ड्राइवर है। देखिए, एक बार मैं आपको, मेरे सहयोगी दोबारा से वो वैन आपको एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। उसका दरवाजा अभी अभी खोला गया है, कुछ ही देर में यहां पर जो अतीक अहमद है वो उतरेगा और उतरने के बाद यहां पर उसे कुछ देर के लिए रखा जाएगा ताकि ड्राइवर जो है वो भी थोड़ी देर के लिए आराम कर ले, क्योंकि अभी 400 किलोमीटर का सफर काफी ज्यादा लंबा है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस स्टॉपेज के बाद 1-2 स्टॉपेज और लिए जाएंगे क्योंकि लंबा सफर है, और उसके बाद सीधा प्रयागराज में लेकर पहुंच जाएंगे अतीक अहमद को। यहां के कुछ ऑफिशियल्स हैं जो इस वक्त बात कर रहे हैं। राजेश जी हमारे साथ हैं। राजेश जी, यहां पर क्यों रोका गया है? भाई, हम लोग इस संबंध में कुछ नहीं बता पाएंगे। अच्छा, यहाँ रोका हम लोग सुरक्षा दृष्टि से खड़े, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अतीक अहमद को यहाँ कितनी देर तक रोका जाएगा? कितनी देर बाहर आप लोग? अभय, जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में यूपी पुलिस कुछ भी नहीं कह रही है, बहुत ही साइलेंट तरीके से अतीक को लेकर जाया जा रहा है, और हमने देखा भी किस तरीके से हाई अलर्ट के बीच, हाई सिक्योरिटी के बीच, क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती भी यूपी पुलिस के सामने जिस तरह के आरोप लग रहे हैं। जरा ये बताइए, क्या झांसी पुलिस के पास पहले से ऐसी कोई खबर थी कि अतीक का काफिला यहाँ पर रुक सकता है?
देखिए बिल्कुल, असल में जैसे ही अतीक अहमद को लेकर गुजरात से निकली है प्रयागराज की जो टीम आई हुई थी, तमाम आईपीएस ऑफिसर यहां पर आए हुए थे, पहले से सब कुछ तय था कि जब साबरमती जेल से निकलेंगे कहां पर स्टॉपेज लेना है, वहां पर पहले से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं क्योंकि लंबा सफर है, ऐसे में ड्राइवर को भी थोड़ा आराम देना है, सुरक्षा के लिहाज से भी रूट भी क्लियर रखने हैं। तो जैसे ही एमपी से होते हुए यूपी में एंट्री की और यूपी के झांसी में, तो पहले से सब कुछ तय था, हाईवे से अलग रूट लिया गया, सीधा झांसी रिजर्व पुलिस जो लाइन है यहाँ पर ये वैन पहुंची अतीक अहमद को लेकर, और पहले से यहाँ पर आप देखिए तमाम स्टाफ जो है यहाँ पर पुलिस बल यहाँ पर तैनात था ताकि सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरीके से जो पैसेज है वो दिया अतीक अहमद को, और उसके बाद अतीक अहमद की जो गाड़ी थी पुलिस की गाड़ी वो फिलहाल यहाँ पर पहुंच गई है। फ्रीडम ऐप से सीख कर आप हैंड बैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंड बैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इसके आगे भी जहां जहां पर अतीक अहमद को लेकर रोका जाएगा सब कुछ पहले से तय है, काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन दिख रहा है, पुलिस की टीम जो है जहां जहां पर ये पहुंच रही है थाने के हिसाब से, चौकी के हिसाब से जो सुरक्षा देने के लिए गाड़ियां होती हैं पुलिस की वो चेंज हो जाती हैं, सब कुछ ऑन रूट है, पहले से पुलिस की गाड़ियां तैनात होती हैं, वो अपने साथ अतीक अहमद की गाड़ी को लेकर अगले स्टॉपेज पर पहुंचती हैं, और उम्मीद ये जताई जा रही है करीब 400 किलोमीटर का सफर है, तकरीबन 4 बजे के आसपास प्रयागराज अतीक अहमद को लेकर पुलिस की टीम जो है पहुंच जाएगी, और जहां पर जिस जेल के अंदर रखा जाएगा वहां पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, अलग बैरक में रखा जाएगा, सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, सीसीटीवी कैमरों की नजर में प्रयागराज की जेल के अंदर रहेगा अतीक अहमद, और फिर 28 तारीख यानी कि कल कोर्ट में पेश किया जाएगा जहां पर उमेश पाल की जिस तरह से किडनैपिंग की गई थी उस पूरे मामले के अंदर सजा का ऐलान प्रयागराज की जो कोर्ट है वो करने वाली जी, अभय बने रहिए हमारे साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।